इनके ऊपर भी थोड़ा सा तनाजे खड़ा होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का सही कहते भारतीय था तो इनके थोड़ा सा दावा हमारा भी है, हाँ। तो दिल काला है कि ये बात मुंह से निकालते हुए एशियाई हो गया उसमें हम भी घुस सकते है एशियाई हो गया तो हम भी घुस सकते हैं इसलिए बंदा हमारा ही वो ब्रिटिश कॉलोनी और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा वाली बात है Uh, ब्रिटेन के, के जो नए प्रधान मंत्री चुने गए हैं उनके दादाजी असल में पाकिस्तान के गुजरा वाला से थे भले ही उन्नीस सौ पैतीस में वो यहाँ से चले गए अब तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है ना

जो है वो नए वजी तो आगे जो है वो ऋषि सुनाक ऋषि सुनाक बयालीस ब्या, ऋषि सुनाक जो है ये उनके चांसलर रहे यानी वजीर खजाना रहे दो हजार पंद्रह से और दो हजार पंद्रह से एम पी है और जब ये कोविड शोविड आया तो ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया एज ए चांसलर मई प्रॉब्लम तो एक बड़े अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा तनाज़े खड़ा होने वाला है अच्छा पाकिस्तान और इंडिया का भारतीय नजाद इनके दादा का ताल्लुक तो गुजरा वाला से था और ये गुजरा वाला से कीनिया चले गए थे इनकी फैमिली यानी इनके जो दादा थे वो कीनिया चले गए थे कीनिया उस बरतानिया की कॉलोनी था वहां उनकी जो शादी हुई यानी इनकी दादी उस उन इलाकों से है जो है भारत में, भारत में। मगर ये तो वहीं पैदा हुए इनके वालदे ने भी वहीं तालीम हासिल की वो छियासठ में इनके वाले चले गए जो है वो आ, कीनिया से तिरसठ में कीनिया आजाद हो गया था तो बरतानिया उसके बाद वो चले गए और वो बरतानी में सेटल हो गए तो अब इनको भारतीय नजाद तो इन पे जिस तरह वो कोयनूर पे दावा है ना तो ये इलेक्ट हो जाएंगे हिंदू हिंदू है हमारे यहाँ बड़े हिंदू है पाकिस्तान में तो इनका थोड़ा तो सा दावा हमारा भी है हाँ। कि ये जो है अगर इलेक्ट होते हैं तो ये बात एक सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई गुजरावाला से थे तो मतलब है कि हमारा भी हमारे अच्छा हाँ तो बड़ा अच्छा है साउथ एशिया से जुनूबी एशिया से लेकिन ये एक तारीखी तौर पे मतलब है कि बड़ा अच्छा रहेगा वो अगर आते हैं तो जुनूबी एशिया से आते हैं और ऐसा आता है कि जिनका जिनके जो नाना है जो जो, जो इनकी जो इनकी साइड है वो उस तरफ से है उन इलाकों से जो बाद में भारत बन जो बाद में बना उस वक्त तो जब मैं तो बात कर रहा हूँ ना पैंतीस में गए ना उन्नीस सौ पैंतीस में चले गए ना तो उस वक्त तो एक ही हिंदुस्तान था ना पूरा तो प्री पार्टीशन की फैमिली शिफ्ट हो गई थी इनके दादा ठीक है देखें इसके साथ में कल से देख रहा हूँ जो नेगेटिव चीजें जुड़ रही हैं आपका जितना सोशल मीडिया है उसमें से 80 जी एशियाई नजात कैसे हो गया कल जो है वो शी जिनपिंग भी इलेक्ट हुआ आपने नहीं उसके पीछे एशियाई नजाद लगाया आप कहते हैं चीनी आदमी जो है वो सदर बन गया तो ये आदमी भारतीय है लेट अस एक्सेप्ट तो उसको मेरिट दे भाई उसको मेरिट दो अब बात डेमोक्रेसी की भी करते हो मेरिट की भी करते हो अपॉर्चुनिटी भी करते हो और अपना दिल इतना काला है कि ये बात मुंह से निकालते हुए कि भारतीय नहीं ये एशियाई हो गया चूंकि उसमें हम भी घुस सकते हैं कि भारतीय नाम पे एशियाई हो गया तो हम भी घुस सकते हैं इसलिए बंदा हमारा ही तो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे उनके सिस्टम में जाके क्यों जैसे ये ऋषि ने जाके सक ने वहाँ की जाके जमात में पार्टिसिपेट किया और बयालीस साल की उम्र में वो वजी अज़म बन गए यंगस्ट वज़र अजम है बरतानिया का यूनाइटेड किंगडम का एटीन टवेल्व में एक यंगस्ट तरीन वज़र अजम आया था तो आप क्यों समझें हमारे लोग क्यों इस तरह वहाँ पे जाके तो उनकी सियासत में जाके पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते और अपने मुल्क की जो सियासी जमात हैं उनकी शाखें खोल लेते हैं वहाँ पे क्योंकि आप इंडियन को इसमें अब ब्रैकेट नहीं कर रहे हैं चूँकि अब इंडियन स्ट्रगलिंग नहीं है इंडियन अब आते हैं आई में प्रोफेसरिंग में मेडिसन में नर्सिंग में इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान से मोस्टली स्ट्रगलिंग लोग जो आते हैं तो वो फिर आपने जाके आपको गीटोस की जरूरत तो पड़ती है ना क्योंकि आपने एक बस्ती बसानी है उसमें एक दुकान खोलनी है ऊपर से आपकी मुसीबत यह है कि आपने बच्चे भी इस्लामी स्कूल में पढ़ाने आप अगर लाहौर में हैं तो आपने बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने हैं वो लोरेंस कागजिस्टन कॉलेज में पढ़ाने आप अगर लंदन में हैं तो बच्चे इस्लामी स्कूल में पढ़ाने बेचक वो को अंग्रेजी का एक हरफना आता हो ऊपर से आपकी जो सारी पॉलिटिक्स है वो मस्जिदों के घूमती है जबकि इंडियंस का ये मामला नहीं है आपकी पार्टी और मस्जिद तकरीबन एक ही चीज़ है कि आपका जो मौलवी है वो जिस पार्टी में है उसी के लोग उस मस्जिद में जाएंगे वोट मांगने भी वहां जाएंगे तो ये सारे जो बैगेजेस है ना जो आप चीचा बतनी से और फलां जगह से उठा के ले आए उसको आप छोड़ नहीं सकते उसके साथ आप चिमटे रहते हैं ऋषि साहब की तो मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं 1935 में, वो शिफ्ट हो बिफोर पार्टीशन ही, में और फिर वहां से कहते इंटेलिजेंट जेंटलमैन फुलट फुल ब्राइट फुल स्कॉलरशिप पे स्टैंड में आए यहीं पे अपनी वाइफ को मिले और फिर मैं समझता हूँ कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही Uh, इस वक्त ना सिर्फ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है एवर uh, uh, जो नॉन वाइट uh, और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वो वर ब्रिटिश कॉलोनी और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फखर वाली बात है कि वन ऑफ़ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्तानिया और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय नजाद ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तानी जो नजाद ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी मैं समझता हूं इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर वेरी प्लीज विदम वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करे